मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप इंदु को मुझसे जुदा कर देंगे इसीलिए हाथ उठाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बचपन से आज तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। उसने मुझसे कहा उसे शिव चाहिए, अगर मैंने उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं की तो ये उसके साथ अन्याय होगा। तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था आप मेरे प्यार को समझ पाएंगे। थैंक यू। क्या ये इंदु का मंगेतर है अंकल? सही पहचाना बेटा। उस दिन मैंने आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजकुमार लग रहा है, ये अच्छी जोड़ी बनेगी। जरा इसे देखिए, ये साबित करता है कि ये दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं। अच्छे ससुर जी, अच्छा दामाद, अच्छी बेटी, तो मुझे क्यों? अंकल, अंकल, अंकल आंखें खोलिए, अंकल कुछ बोलिए ना अंकल। अरे मालकिन, मालकिन देखिए ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया मालकिन, इसने आपके पिता को मार दिया, मार दिया रे। अरे अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ हटाओ उसे। तुमने मेरे डैडी को मार दिया, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं हिंदू, हिंदू ऐसा नहीं, हिंदू तुम गलत समझ रही हो, मैंने उनकी जान नहीं ली। तूने मेरे अंकल की जान ले ली, पुलिस को दे दो उसे। हिंदू जितनी जल्दी हो सके अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। हाँ चलो उठाओ, चलो चलो चलो। जब अंकल ने तुझे माफ कर दिया था तो फिर क्यों जान? हिंदू मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, इन्होंने मारा है। हेलीकॉप्टर ले जाओ। ओ पायलट जल्दी करो जल्दी। इंदु, इंदु मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। इंदु, इंदु, इंदु। पायलट क्या कर रहा है? इंजन स्टार्ट। ओके ओके। इंदु, इंदु मत जाओ। इंदु मेरी है। अगर मैंने ठान लिया कि इंदु मेरी है, तो वो मेरी ही है। पहले ये प्रकृति तुम दोनों को पहचान लेगी। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे, पशु और पक्षियों में हलचल मच जाएगी। ओ सूर्य का गोला भस्म होकर काला पड़ जाएगा, और जो ज्वालामुखी की तरह उसका लावा बनकर बाहर आएगा, वही होगा भैरव। अंदर बिठाओ, खत्म कर दो उसे। आ जाओ, आ जाओ।
नहीं ली इंदु। वो हमारी शादी के लिए राजी थे तो फिर मैं उनकी जान क्यों लेता? मेरी बात का यकीन करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना होगा इंदु। उदयगढ़ के चक्रवर्ती श्री 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 विक्रम सिंह महाराज की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हमारे राज्य के राज्यवासियों, इस प्रतियोगिता का निर्णय सुनाने के लिए और कोई नहीं, हमारे उदयगढ़ की भावी महारानी और हमारे महाराज की एकमात्र पुत्री राजकुमारी मैत्रा यहां मौजूद रहेंगी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले महाराज के भावी दामाद होंगे। पहले प्रतियोगी हैं इस राज्य के प्रधान सेनापति रणदेव प्रताप, और दूसरे प्रतियोगी होंगे शत्रुओं को पैरों तले रौंदने वाले सभी वीरों से महान वीर काल भैरव। काल भैरव काल भैरव यह शुभ लक्षण देखकर तो लगता है कि राज्य का विनाश होने वाला है। कैसा विनाश राजगुरु? महाविनाश। 400 वर्षों में मात्र एक बार ही इन 8 ग्रहों का ऐसा योग बन पाता है। ये 8 ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। ये इतने प्रकाशवान होते हैं कि दिन के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनके इस योग के 3 दिन में एक उल्का का पतन होता है। राजकुमारी के नक्षत्रों के अनुसार उन पर और इस राज्य पर विनाश की छाया मंडराने वाली है। क्या इस विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है राजगुरु? ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ महाराज, इसका संकेत हमें मिल चुका है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उदयगढ़ की सीमा पर 1,00,000 सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए उतावला है शेर खान। शेर खान? शेर खान कौन है महाराज? भारत देश पर चढ़ाई करके समस्त राज्यों को जीत कर उन पर अपनी सत्ता रखना चाहता है ये महाक्रूर। शेर खान जिस राज्य की तरफ देखता है उसका सामंत शेर खान के डर से उसके अधीन होता है, और अगर कोई उसे युद्ध के लिए ललकारता है तो वो उसका साम्राज्य जड़ से समाप्त कर देता है। वो भयंकर तूफान हमारी सीमा पर खड़ा है। साजिद। हुजूर। उदयगढ़, वाह क्या खूबसूरत है। उस्मान। जी जनाब। एक हफ्ते के अंदर हमारा झंडा इस किले पर लहराना चाहिए। एक हफ्ता तो बहुत दूर है जनाब।
हुक्म करें तो मैं आज ही लहरा दूं। नहीं उस्मान, ये सोच गलत है। ये कभी किसी से हारे नहीं है। यहाँ के सैनिकों को जिसने शिक्षा दी है वो है वीरों का वीर काल भैरव। काल भैरव वो भगवान है क्या? खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो उसका भी बहेगा ना मान सिंह। आप सही हैं जनाब, पर ऐसा करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। उन वीरों में से आज तक ऐसा कोई नहीं बचा है जो 30 साल से ऊपर जीवित रहा हो। वो मौत को मौत नहीं खिलवाड़ समझते हैं। उसके कबीले में पैदा होने वाला 100 को मार कर ही मरता है। बकवास बंद करो। याद रहे मान सिंह, अब ये शेर खान नया इतिहास लिखेगा। ये तबाही अब तभी रुकेगी जब वो काल भैरव खत्म हो जाएगा, ये वादा है हमारा। 100 लोगों को मारकर हमें मारने के तुम्हारे खौफ को हम खत्म कर देंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कसम, खाक में मिला देंगे।